हेलो दोस्तों, एमके एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग की एक सबसे बड़ी अपडेट लेकर के आया हूं। और दोस्तों, अपडेट है यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट की, यानी कि दोस्तों यहां पर जो आरपीएससी है उसने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है रिजल्ट जारी कर दिया है। और दोस्तों देख सकते हैं, आज ही का ये ऑफिशियल नोटिस है, यानी कि 5/8/2024 का। तो दोस्तों, कौन से विषय का यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। और दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो कॉलेज शिक्षा विभाग हेतु आयोग द्वारा आयोजित व्याख्या था आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन, यानी कि ईएफएम प्रतियोगी परीक्षा 2014, यानी कि दोस्तों जो 2014 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी, यानी कि उस समय इसको कॉलेज व्याख्या के नाम से जारी किया गया था। तो दोस्तों, इस वैकेंसी का यहाँ पर अभी रिजल्ट जारी किया गया, यानी कि 2024 में, लगभग 10 सालों बाद में। तो दोस्तों, यहाँ पर 10 साल बाद में जो रिजल्ट जारी किया गया है उसका सीधा सीधा रीजन है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्ट केस, यानी कि दोस्तों जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर याचिका लगा रखी थी उनका अब यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों, किन कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए पास किया गया है और किस वजह से पास किया गया है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कैंडिडेट थे, 7 जो कैंडिडेट थे जिन्होंने याचिका लगाई थी 2014 में, उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। और इसके अलावा जो 14/12/2018 को जो रिजल्ट जारी किया गया था इसका, उन कैंडिडेट को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो 7 कैंडिडेट थे याचिका लगाने वाले, वह है दोस्तों उनके रोल नंबर यहाँ पर बताए गए हैं। लेकिन दोस्तों, इन कैंडिडेट में से भी यहाँ पर कुछ कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों, उनके रोल नंबर आपके सामने हैं, यानी कि जो 7 कैंडिडेट थे उनमें से 5 कैंडिडेट को यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। दोस्तों, क्या रीज़न है वो आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित याचिकाकर्ता जो है, यानी कि अभ्यर्थी, उनको प्राप्तांकों के आधार पर स्वयं के वर्ग के कट ऑफ मार्क्स में नहीं आने के कारण मुख्य सूची में असफल घोषित किया जाता है। यानी कि जो 7 कैंडिडेट थे जिन्होंने याचिका लगाई थी, उनमें से 5 कैंडिडेट जो है मेरिट में पीछे रह गए हैं, इसलिए उनको जो है यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। और इसके अलावा जो दोस्तों यहाँ पर 2018 में जो रिजल्ट जारी किया गया था उसकी जो कुछ पोस्टें खाली रह गई थी, उसके विरुद्ध भी यहाँ पर जो है रिजल्ट जारी किया गया है। यानी कि जो कैंडिडेट बाहर हो गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2018 में, उनके विरुद्ध यहाँ पर जो कैंडिडेट है जिनको यहाँ पर पास किया गया है, उनके रोल नंबर भी यहाँ पर है। यानी कि दोस्तों, लगभग 2 कैंडिडेट तो पिछले वाले हैं और 6 कैंडिडेट अभी वाले, यानी कि कुल मिलाकर के 8 कैंडिडेट को यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। और दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पर इन 8 कैंडिडेट को जो है रिजल्ट के माध्यम से यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है, जिनमें से दोस्तों 2 कैंडिडेट तो जो याचिका करता है वो, और 6 कैंडिडेट अलग से, यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो फेल हो गए थे उनकी जगह पर 6 कैंडिडेट दूसरे यहाँ पर शामिल किए गए हैं। और दोस्तों, 7 कैंडिडेट थे याचिका करता, लेकिन उनमें से 5 कैंडिडेट जो है मेरिट में पीछे रह गए हैं और वो उनको जो है बाहर कर दिया गया है। केवल उनमें से 2 ही कैंडिडेट जो है यहाँ पर मेरिट में आ पाए हैं और उनका यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया गया है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आरपीएससी है उसने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो न्यायालय की जो यहाँ पर केस था उसकी उसके आधार पर यहाँ पर जो है रिजल्ट जारी किया गया, यानी कि न्यायालय के आदेश के बाद में। तो लगभग 10 साल इस भर्ती को हो चुके हैं और 10 सालों बाद में यहाँ पर याचिकाकर्ताओं को जो है इस भर्ती में शामिल किया गया है, यानी कि उनका रिजल्ट यहाँ पर जारी किया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। और दोस्तों, इसी तरह आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की पल पल की अपडेट के लिए और राजस्थान की भर्तियों की पल पल की अपडेट के लिए जो एमकेएन एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।